नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 19 दिनों से दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे हजारों किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। इसी क्रम में आज यानी सोमवार को किसान नेता सिंघू बॉर्डर पर भूख हड़ताल करेंगे। इस दौरान देश की राजधानी दिल्ली के सीएम ने भी किसानों का समर्थन करते हुए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। किसानों के साथ खड़ी है आप। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए किसानों की इन मांगों के समर्थन में उपवास रखने की अपील की है, जिसके बाद आप सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पार्टी के सभी पदाधिकारी, विधायक और पार्षद सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आईटीओ स्थित पार्टी कार्यालय पर सामूहिक उपवास करेंगे। आम आदमी पार्टी किसानों की मांगों के समर्थन में पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। आंदोलन तेज करेंगे किसान, कानून में संशोधन मंजूर नहीं। बताते चले कि कानून रद्द कराने को लेकर किसानों के तेवर अभी भी तल्ख हैं। बीते शुक्रवार को उन्होंने कहा कि हम आंदोलन को कानून रद्द होने तक जारी रखेंगे। गांव से लोग चल पड़े हैं, हम आंदोलन को और बड़ा करेंगे। सरकार भले ही फूट डालने की कोशिश करती रहे, बॉर्डर पर बैरिकेटिंग कर दे, लेकिन हम उसे तोड़ देंगे। हमने सरकार से साफ कह दिया है, कानून रद्द करना होगा, संशोधन मंजूर नहीं। फोर लेयर प्रोटेक्शन में तब्दील हुई दिल्ली की सुरक्षा। किसानों के आंदोलन तेज करने के ऐलान के मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा को बढ़ाते हुए सीमेंट बैरिकेड पर जंजीर के साथ ताले लगा दिए हैं, जिससे बैरिकेड को हटाया या तोड़ा ना जा सके। बता दें कि पुलिस ने सुरक्षा के तौर पर पहले मिट्टी से भरे डंपर, बैरिकेड और फिर सीमेंट के बैरिकेड लगा रखे हैं। इतना ही नहीं, इस थ्री लेयर प्रोटेक्शन के बाद रैपिड एक्शन फोर्स और बीएसएफ के जवानों की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।